हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से चर्सी पांडा गेमिंग चैनल पे। आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 और आज हम लोग खेलेंगे ट्रेवर के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रेवर एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। अभी तक मैंने इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो ये पहला वीडियो होगा ट्रेवर का इस चैनल पे। तो मैं बता दूं, ट्रेवर फनी और ख़तरनाक कैरेक्टर है GTA 5 का। आज हम लोग खेलेंगे ट्रेवर के साथ। और जैसे कि आप लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था कि ट्रेवर और माइकल और उसके फ्रेंड ने मिलकर एक बैंक रॉबरी करी थी। उसके बाद ट्रेवर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि माइकल को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और ट्रेवर को लगता है कि माइकल मारा जा चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। और माइकल अपने अपनी जगह पे काम कर रहा है और ट्रेवर अपने अपने एरिया में काम कर रहा है अभी तक। तो ट्रेवर बेसिकली स्मगलिंग का काम करता है और उससे बहुत ही लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। तो देखते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है इस गेम में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो ये दोनों चाइनीज़ गए अभी ट्रेवर से बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ काम कर लीजिए और मेरे इलीगल सामान को आपको स्मगल करना होगा। वो ट्रेवर को मनाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ट्रेवर मेरे ख्याल से अभी मान नहीं रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि ट्रेवर उनके साथ काम करे। ट्रेवर उनके ट्रेवर ले इस लोगों को लगता है पकने लगा है। अब ट्रेवर लगता है यहाँ से निकलेगा और चाहता नहीं है ट्रेवर कि ये काम करे। और ट्रेवर यहाँ से जा चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में। तो चाइनीज़ गाय बोल रहा है कि अगर आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो इसके पापा मुझे मार देंगे। तो ड्राइवर ने बोला कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब ये चाइनीज़ गाय इसको पैसों की लालच दे रहा है कि अगर आप तो मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो चलिए ड्राइवर, आप ड्राइवर इसे कुछ दिखाने जा रहा है। ओके, तो हम लोग अब जाना है मैथ्स लैब, जहाँ पर ड्राइवर दिखाएगा इसके अपनी लैब के बारे में कि वो लोग कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी मैथ्स लैब की तरफ। ओके, तो ट्रेवर ने अभी कॉल किया है शाइफ को, बोला है कि हम लोग आ रहे हैं, तुम तैयार रहो क्योंकि हमें आप दो चाइनीज़ गाय को अपना धंधा दिखाना है, जिससे कि हम लोग के साथ धंधा कर सके आगे का। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं मैथ्स लैब की तरफ, फिर उसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मैथ्स लैब की तरफ और ये है शेफ। तो ये शेफ चाइनीज़ गाय से मिलवा रहा है, वो ये बता रहा है शेफ ही पूरा यहाँ का मैथ्स लैब का काम संभालता है। ओके, तो अभी शेफ़ ने बताया कि अभी मैथ्स लैब में कोई कुछ लोग आने वाले हैं गैंगस्टर। तो उन्होंने बोला है कि चाइनीज़ गाय को यहाँ से हटाओ, नहीं तो वो लोग इन लोग को ही मार देंगे। तो अभी हमारे ड्राइवर ने चाइनीज़ गाय को एक आइस आई आइस आइस वाली मशीन में रख दिया। ओ माय गॉड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है आगे। अब चलते हैं सीधा मैथ्स लैब की तरफ और हथियार उठा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं और ड्राइवर नहीं चाहता कि वो एक भी इंसान को यहाँ पे छोड़ दे। और ड्राइवर अपनी पोजीशन लेके बैठ चुका है और आज ड्राइवर इतना बचाने वाला है ना लोगों को कि वो लोग समझ में आएगा कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग आ रहे हैं दोस्तों, यार कैसे हैंडल करेंगे इसको। और ड्राइवर किसी को भी हैंडल कर सकता है और ड्राइवर का निशाना तो एकदम परफेक्ट है। मैंने आपसे पहले ही बोला ड्राइवर इस गेम का सबसे खतरनाक क्रेजी पर्सन है, और ख़तरनाक से मेरा मतलब जो था आपने देख चुके होंगे, इसने पूरी गाड़ियों को बजा दिया अकेले ही पूरी गाड़ियों को बजा दिया है और लोगों को भी ये निपटा दिया अकेले। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ड्राइवर के बारे में आपको कौन सी खूबी पसंद आई, इसकी गन चलाने की स्किल या इसकी बकचोदी करने वाली स्किल। ड्राइवर एक ऐसा इंसान है जो कि पूरे ही गेम में सबको उड़ा सकता अकेले, और ये तो छोटे मोटे मामूली से बच्चे हैं, वो तो आराम से उड़ा देगा। जैसे देख रहे हैं कि ड्राइवर ने एक एक को भूंज डाला है और शेफ भी अपना कोई कम नहीं है, शेफ भी लगा हुआ है पूरी प्रॉपर तरीके से सबको निपटा रहा है। और शेफ भी बोला कि यहाँ मारो वहाँ मारो, लेकिन ड्राइवर कह रहा भाई तुम चुप बैठो, मैं अकेले ही सबको संभाल लूँगा। शेफ तो मेरे ख्याल से एक दो ही गोली चला रहा है पूरा, बाकी तो ड्राइवर का ही काम है। ड्राइवर बताएगा कि ड्राइवर असली में है कौन। और चाइनीज़ गाय वालों की तो इनकी फटने वाली, ये सब देख के सीरियसली इतनी खतरनाक फाइट देखे चाइनीज़ वाले सोचेंगे कहाँ ही आ गए हम तो गुंडों के इलाके में, हमें तो शांति से अपना बिजनेस करना है। लेकिन ये इंसान तो डॉन आदमी, यहाँ बिजनेस के साथ साथ यहाँ आए पूरे पैसे भी खा जाएगा और हम लोग को भी ले डूबेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ड्राइवर ने तो सबकी सबकी मार रखी है, पूरे रूफ के हर कोने में जा जाके सबको गोली दे रहा है, एक को भी नहीं छोड़ा भाई साहब से, एक को भी। ओह शेफ ने अब फेंक दिया भैया सीधा ने बच्चू का टाइप गन। ओह हो, उसने तो पूरी, ये तो भाई उतरने ही नहीं दे रहा लोगों को, ये किसी को नहीं छोड़ा। ट्रेवर सनक चुका है। ट्रेवर अपना इंट्रोडक्शन चाइनीज़ गाय से इस तरह दे रहा है कि मैं सबसे खतरनाक इंसान हूँ, अगर आपको बिजनेस देना है तो मुझको ही देना पड़ेगा, अगर आप किसी और को दोगे तो वो भी मारा जाएगा और तुम लोग भी मारे जाओगे। तो मेरे ख्याल से ड्राइवर सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था इस लड़ाई के चक्कर में, और उसने एक एक को निपटा दिया भाई साहब।
मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा, मेरे को समझ में नहीं आता है कि GTA 5 में जब भी कोई लड़ाई होती है दो गैंग के बीच में, तो कोई पुलिस क्यों नहीं आती है यहाँ पे? देखिए अभी यहाँ कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है, अभी एक भी पुलिस के कोई स्टार यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर मैं किसी को नॉर्मली किसी को भी मार दूंगा, एक एक आध गन या एक आध घूसे वूसे, तो तुरंत पीछे पुलिस लग जाती है। इसका मेरा मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी तो मिशन होते हैं तो पुलिस वाले इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं? ड्राइवर ने तो सबको बजा डाला, ऊपर नीचे आके दौड़ दौड़ के सबको बजा रहा है ड्राइवर। और ट्रेवर आज दिखा देगा कि ट्रेवर इस सिटी के सबसे बड़ा गैंगस्टर है, डॉन है वो। कोई छोटे छोटे बिजनेस नहीं करता है, वो माइकल और फ्रैंकलिन जैसा अभी इतना भी नहीं है। ट्रेवर सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और दोस्तों आप लोग को जब मजा आएगा जब ट्रेवर मिलेगा हमारे माइकल से, उसके बाद जो भसड़ मचने वाली है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि जब ट्रेवर पहुंचेगा लॉस सैंटोस और माइकल से मिलेगा, उसके क्या रिएक्शन होंगे माइकल के। माइकल सोचता है कि ट्रेवर को ये बात पता ही नहीं है, लेकिन ट्रेवर ने अपने जाल से पता लगा लिया है कि माइकल जिंदा है और माइकल डी सेंटा के नाम से रह रहा है। ओहो, यहाँ फाइट हो चुकी है ख़त्म, चाइनीज़ गाय की फट चुकी है ये सब देख के, और उसकी तो पूरी बॉडी में जम गई बर्फ। ड्राइवर कह रहा है कि अब ये बॉडी से डरो मत, आराम से जाओ। अब दोस्तों मुझे बताइए कि ये इसके बाद चाइनीज़ वाले से बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे तो नहीं लगता अब चाइनीज़ वाले इतना डर चुके हैं इससे बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर चलेगा। देखते रहिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये मिशन तो हो चुका है कंप्लीट, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट मिशन में, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है ड्राइवर की गैंग के साथ। कमेंट सेक्शन बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई की थोड़ी चौड़ बढ़ा दीजिए यार, अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि ये अपना चैनल नया है, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, देखते रहेंगे कितने नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए सायोनारा।